और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी शक्ति करनी होगी हम वो शक्ति करेंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। जो इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फार्मर, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। पक्का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा। 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे, 25 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, संकल्प पत्र समितीचे मुखेली राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, विदेश व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराजाच्या हजेरीत 2022 मेरेनचो बीजेपीचो 75 संकल्पांचो संकल्पित भारत, सशक्त भारत संकल्पपत्र जाहीर झाले। वर्ष 2022 भारताचे स्वतंत्रतायेक 75 वर्ष जाता, त्या निमतान मोदी सरकारचे 75 संकल्प तडीक लावून नव भारत निर्माणाचो संकल्प। जाहीरनाम्याखातीर फीडबॅक मागयताना गोयच्या बीजेपी आणि काँग्रेसवाल्यांनी केंद्रीय समित्यामेरेन गोयचे मायनिंग, टुरिझम, CRZ असले इशू पावयले खरे, मात बीजेपी आणि काँग्रेसच्या ह्या जाहीरनाम्यांनी राजनिहाय एकूय विषय ना। काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात गोयच्या प्रश्नांचो उल्लेख नाशिल्लोच आणि आता बीजेपीच्या जाहीरनाम्यातही ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।